আসানসোল অঞ্চল আলিয়া। एक ओवर के दो पर 12 रन हो चुके। फिर एक बार महबूब स्ट्राइक पर दिखेंगे आपको। अंपायर जल्द से जल्द शुरू कीजिए। लाइव शुरू हो चुका है, जय गणेश के चैनल पर दिखेगा आपको ये मैच। कैमरामैन अमोल, हम इनका स्वागत करते हैं। लाइव स्कोरर अमय करदेकर कमेंट्री बॉक्स में आइए। मयूर, इनका भी हम स्वागत करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। अब अमीर राइट आर्म, राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद करेंगे महबूब को। पहली गेंद करेंगे एक 10-15 कदम का रन अप। और हम यहाँ पर क्योंकि हमारे गांव के इमाम साहब, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हाफिज शकील अहमद साहब उक्तारे। कितने रन बने पहले ओवर में? अच्छे गेंद स्टंप्स के करीब से और बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के पास गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 12 रन। इकतालीस रनों की जरूरत है, पहले ओवर में 12 रन बन चुके हैं। राइट आर्म राउंड विकेट आने का फैसला किया। अनवर अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे। महबूब को गेंद की ऊंचा खेला है, देखना है फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद वन बाउंस के साथ बाउंड लाइन के बाहर निकल गई। 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा और लिपने वालों की तरफ से यकीन महबूब जब तक ग्राउंड पर है तब तक मैच किस वक्त भी महबूब अपने तरफ करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि चिपोल की तरफ से गेंदबाज हैं आमिर। कोशिश करेंगे अपनी टीम के लिए कम से कम रन रोकें और कम से कम रन खर्च करें अपने ओवर में, जबकि 16 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है, जीत के लिए 41 रनों का हदफ है। पूरी फैली हुई फील्डिंग ऑफ साइड में अगर नजर दौड़ा है तो पूरा ग्राउंड खाली है। महबूब चुके लेग साइड में ज्यादा ऊंचे शॉट खेलने के आदि हैं, इसलिए उनके लिए जो फील्डिंग सजाई जा रही है वो तमाम तरफ फैली हुई फील्डिंग, ऊंचे शॉट खेलने की ज्यादा कोशिश करते हैं। देखना है बड़ा मौका है, बड़े गैप हैं और उसकी कोशिश किस तरह से होती है बल्लेबाज की। इस बीच बाहर निकलती हुई गेंद व्हाइट करार दिया अंपायर ने, एक्स्ट्रा की सूरत में एक रन आया, एक रन का स्कोर में इजाफा। स्कोर है 16 रन, 17 रन लिपने हुआ और छिपोला के दरमियान। ये क्या संजरी का जो बोर्ड है वो शायद गिर चुका है क्या? पैसे जो लगे हुए हैं 250 रुपया डायरेक्ट हिट पे वो मना कर दिया है क्या नवीद भाई ने? ये गलत शॉट खेलने की कोशिश की, इस बीच गेंद गलत बल्ले पे आई नहीं, दौड़कर एक रन हासिल कर लिया। घूम के जरूर खेलने की कोशिश की थी लेकिन स्टंप्स के ऊपर से गेंद गई थी। कोई भी अंपायर से किसी तरह का किसी भी खिलाड़ी की इजाजत नहीं है कि वो अंपायर के पास डिस्कस करें। गेंद करेंगे आमिर, राउंड विकेट शायद गेंदबाजी कर रहे हैं।
अभी तक महबूब ने अपने पास स्ट्राइक रखा है। राशिद के पास पहली मर्तबा, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और यह यकीनन बल्लेबाज के पहुंच से काफी दूर गेंद थी और यह एक रन का स्कोर में इजाफा हो गया। ज्यादातर आमिर कोशिश कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे कर रहे हैं और बाहर की तरफ निकल रही है, नतीजतन एक्स्ट्रा के रन ज्यादा दे रहे हैं वो। लाइन और लेंथ बरकरार रखना जरूरी है। राशिद पहली मरतबा सामना करने के लिए तैयार हैं। नाइनटीन रन बन चुके हैं, 41 रनों की जरूरत है, 41 की विन है राशिद को। यह गैप शॉट, हमने कहा ना क्या है ऑफ साइड में, अगर बल्लेबाज गैप देख के खेले तो बाउंड्री के सिवा कोई मौका नहीं होता किसी भी फील्डर को रोकना। आउटफील्ड खासा फास्ट है, सिर्फ गैप में आपको खेलना है किसी भी टीम के खिलाड़ी के लिए। वो मैच मैं कभी नहीं भूल सकता जो मंदनगढ़ ने खेला था, उनके बल्लेबाजों ने कोई हार्ड हिटिंग नहीं की, उनको 33 रनों का हदफ था, वो तीसरी ओवर के तीसरी गेंद पर उन्होंने वो मुकम्मल कर लिया था और ऑफ साइड में ज्यादातर उन्होंने स्ट्रोक खेले थे। चार कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ। आमिर गेंद को पटक रहे हैं जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा मौका मिल रहा है। बाबू काफी मेहनत कर रहे हैं, संजरी का जो बोर्ड गिरा है सोफा सेट का, संजरी सोफा सेट का उनके भाई का, उसको लगाने की कोशिश करेंगे। राशिद के बल्ले से शॉट निकला है, इस बीच एक रन बना और दूसरे रन के लिए कॉल किया है महबूब ने और महबूब बड़े आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करने में कामयाब हो गए। बाबू काफी मेहनत कर रहे हैं, एक रन का दो रन का स्कोर में इजाफा हुआ है, 41 रनों का हदफ है। टूर्नामेंट का तीसरा दिन, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे आई नहीं है। ज्यादातर लिपना के बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि वो लेग साइड में घूमकर ऊंचे शॉट खेलें, जबकि उन्होंने दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर बनाया है 25 रन। 12 गेंदे बाकी है और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत है। देखना है इसे मैच, चिबोल की तरफ से बॉलर कौन आते हैं और किस तरह की गेंदबाजी होती है और किसी विकेट का मेरे ख्याल में अभी नुकसान भी नहीं हुआ लिपने ओगो ने। फिलहाल इस मैच का नतीजा नहीं बता सकते लेकिन गिरफ्त मजबूत करते हुए लिपने ओवा राशिद अभी तक 6 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं जबकि स्ट्राइक महबूब के पास है। 12 गेंदे हैं और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत है। आज वैक्सीन के लिए जर्मन प्रकार हाई स्कूल और तकलीफ होना रही अनवर है बॉलर, राउंड विकेट आने का फैसला किया है। छोटे रन अप से गेंद करेंगे महबूब को, 16 रन दरकार है। महबूब स्ट्राइक पे, फील्ड का मुआयना किया, अंपायरिंग के फरज अंजाम दे रहे हैं और लाइव मैच चालू हो चुकी है। खेल रुका हुआ है, ज्यादा देर न लें, बॉलर कोशिश ये करें कि जल्द जल्द, इसलिए कि गेम आज वैसे ही लेट शुरू हुआ है और चार चार ओवर के मुकाबले होने हैं। इस बीच महबूब सामना करने के लिए तैयार, अनवर है बॉलर, राउंड विकेट गेंद करेंगे। 12 गेंद में 16 रनों की जरूरत है, गेंद करेंगे महबूब को, खराब गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, एक्स्ट्रा की सूरत में एक रन आया है। एक रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 26 रन बने, तीसरी ओवर शुरू हो रही है। महबूब स्ट्राइक पे, 6 ओवर आने पहले बैटिंग करते हुए 40 रन बनाए थे और 41 रनों का हदफ दिया था। इस बीच दौड़ना शुरू किया अनवर ने महबूब को, महबूब के बल्ले से निकला हुआ ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे है, यह कैच होगा और यह ड्रॉप कैच और नतीजतन 4 रन दिया है। ऊंचा जरूर खेला था लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद थी, 4 रन है ना, 4 रन अंपायर का इशारा,
एक कैच था, पूरी तरह से गेंद को अपने हाथ में ले रहे थे और पोजीशन बनाए थे, काफी नजरें जमाए थे, आखिर तक एक आसान कैच चौके में तब्दील हो गया। महबूब के बल्ले से निकलता हुआ ये चार रन अपने टीम के लिए और अपने खुद के लिए। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, तमाम बल्लेबाज लेग साइड में ऑफ साइड की निकलती हुई गेंदों को घूम कर खेलने के महबूब लगातार कोशिश कर रहे हैं। अनवर एक मरतबा अपने रन अप पे फिर महबूब को गेंद करने के लिए तैयार, गेंद करेंगे एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, लगातार वही कोशिश, बड़े हिट लगाने की कोशिश। महबूब हार्ड हिटिंग पसंद करते हैं, लेकिन हमने देखा है हार्ड हिटिंग करने वाले बल्लेबाज जब अपना विकेट खोते हैं और नए बल्लेबाज पे दबाव होता है तो बिल्कुल करीब आया हुआ मैच हाथ से निकल जाता है, और यही कर रहे हैं अनवर, कोशिश कर रहे हैं महबूब को ज्यादातर ऑफ साइड में गेंदों को खिलाने के लिए। यह खराब गेंद थी, यह पटकी हुई गेंद थी जिसका पूरा फायदा उठाया, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और यकीनन ये चार रन महबूब के लिए और लिपने हुआ के लिए कीमती हासिल हो सकते हैं। 34 रन बन चुके हैं, 34 रन बने हैं जीत के लिए, 41 रनों की जरूरत है। अब न्याय तो करीब है लिपने हुआ, फिलहाल अपना अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए शिपोला के खिलाफ। अनवर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस गेंद को दरमियान में पटका और महबूब के पास पूरा मौका था, पूरा गैप था, उस गैप का पूरा फायदा लिया और कीमती चार रन हासिल कर लिए महबूब ने। और ये बहुत ही जोरदार शॉट और काफी लंबा हिट लगाया है महबूब ने लिपने हुआ के लिए और इस मैच में पूरी तरह अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। 6 रन अनवर की गेंद को लॉफ कर दिया और 6 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ। सिर्फ 1 रन की जरूरत है, किसी विकेट का नुकसान लिपने हुआ ने अभी नहीं उठाया है। तमाम तर एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, बल्ले के करीब से हुई विकेट कीपर के दस्ताने में निकल गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी 6 गेंदों का खेल है, जीत के लिए 1 रन दरकार है। बॉलर का नाम राशिद है, स्ट्राइक पे बॉलर सीधा से राशिद को और यह बेहतरीन कैच, हवा में खेल गए और गए नन सीधे फील्डर के पास आइए और ये लिपने हुआ को पहली विकेट का नुकसान हुआ। आखिर जा रहे हैं राशिद के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए। 5 गेंदें हैं, जीत के लिए सिर्फ 1 रन दरकार है। 1 विकेट का पहला नुकसान हुआ, फुल टॉस बनाकर गेंद को हिट लगाई थी लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद के खेल गए और इस गेंद पर विकेट हासिल हो गई। 41 रनों की जरूरत है, 5 गेंदें हैं। बॉल लाने के लिए कोई जाए, लाइनमैन के जो लोग जिनके जिम्मे दिया हुआ है काम, यकीनन वो अपना काम पूरी तरह से नहीं करते। अनवर बता रहे हैं अंपायर के, उनका ध्यान देखिए, या मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना होता है इस चीज को, लेकिन अंपायर वहां से पूरा ध्यान रखे हुए कि उस गेंद के पीछे कोई नहीं गया। अभी गेम शुरू होने जा रहा है, एक बार दबा फिर राउंड विकेट, गेंद करने के लिए निकले हैं, अंपायर अजहर को क्रॉस किया, धीरे से खेला और ये लिपने ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली और सही फैसला और सही शॉट, 4 रन हासिल कर लिया आकिब ने। आप देखें कितने धीमे से सिर्फ महबूब 34 रन बनाकर नट आउट बल्लेबाजी करते हुए वापस आ रहे हैं। आकिब ने पहली गेंद खेली थी जिसके ऊपर चौका हासिल कर लिया था। सुल्तान या वालवट और लिपने के दरमियान इसके बाद का दूसरा 4 रन मुकाबला शुरू हो जाएगा। दूसरे राउंड के लिए दोनों टीमें आपस में टकराएगी, सुल्तानिया वालवट और लिपने वावे।